स्वागत है प्यारे छात्रों इस नए चैनल पे। आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में अपन अधिकतर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आएंगे, यानी अनावश्यक विषय वस्तु को न पढ़ के सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में जो जो प्रश्न आने लायक है, पिछले बोर्ड में आए हुए प्रश्न, साथ ही जो संभावित अच्छे मुख्य प्रश्न हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उनको अच्छे ढंग से अपन करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाला एग्जाम जो 2021 है, इस 2021 बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करवाना। अर्थात कमजोर से कमजोर छात्र भी यदि इस चैनल पे अच्छे ढंग से ध्यान दे देगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे नंबरों से इसमें पास हो जाओगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे और वैदिक गणित जो आपका पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में से आपको एक एक नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं जो आ सकते हैं बोर्ड में उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं वैदिक गणित की। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो लिस्ट ली है उन सभी प्रश्नों के को मैं अच्छे ढंग से एक एक करके समझाऊंगा। शुरुआत कर रहे हैं अपन वैदिक गणित, जो पहला पार्ट है वैदिक गणित। अब वैदिक गणित के अंदर से आपके एक एक नंबर के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब की बार आपको 20 अंक के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है ए बी सी और डी, इसमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। एक आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिल सकते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो प्रश्न है उनको अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है ताकि 20 नंबर आपके इजीली आ जाए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि वैदिक गणित के अंदर क्या दे रखा है। पहला प्रश्न कि वैदिक गणित के आद्य संशोधक एवं प्रणेता को माना जाता है, यानी रिक्त स्थान दे रखी है, इसमें आपको सही का चुनाव करना है। ए है भारती कृष्ण तीर्थ जी, दूसरा है पाइथागोरस, तीसरा है आर्यभट्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि वैदिक गणित की जो खोज की थी ऐसे समझ सकते हैं वो है भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, यानी कि इसका जो सही चुनाव है वो है ए। आपको ध्यान रखना है भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में भर सकते हैं या फिर यहाँ ऑप्शन में आपको ए का चुनाव करना ए। ओके, उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है कि वैदिक गणित में सूत्रों तथा उपसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो वैदिक गणित के अंदर आपके जो सूत्र है वो तो है 16 और उपसूत्र है वो कितने हैं 13। तो यहाँ पे देखिए ए के अंदर दे रखा है 15 और 12 जो कि गलत है, बी के अंदर 16 और 13 दे रखा है वो सही है, यानी 16 तो सूत्र है और 13 है वो उपसूत्र है, यानी यहाँ पे सही है वो हो जाएगा बी। तो इस ढंग से इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं तीसरा, वैदिक गणित में वर्जित सूत्रों तथा उपसूत्रों का वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में है। तो देखिए पहला ग्रंथ है वो सामवेद, बी दे रखा है यजुर्वेद, सी दे रखा है अथर्ववेद और डी दे रखा है ऋग्वेद। तो आपको ध्यान रखना है कि वैदिक गणित में जो वर्जित सूत्र और उपसूत्र, यानी कि 16 जो सूत्र है और 13 उपसूत्र ये है वो कौन से वेद में वर्णन किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, अथर्ववेद। ओके, यानी कि सी है वो सही इसका आंसर है। फिर चौथा प्रश्न, चौथा है कि 2 अंकों के योग 10 होने पर दोनों एक दूसरे के अंक कहलाते हैं। तो चरम अंक कहलाते हैं या परम अंक कहलाते हैं या परम मित्र कहलाते हैं। तो आपको सही इसका जो आंसर है वो है सी, परम मित्र अंक कहलाते हैं। यदि 2 अंकों का योग 10 होता है तो वो एक दूसरे अंक क्या कहलाते हैं, परम मित्र अंक। तो इस पर आधारित प्रश्न और बन सकता है ऐसे, यानी देखिए अंकों का योग जैसे 5 + 5 करेंगे उसका योग क्या आएगा 10, 6 + 4 करेंगे अंकों का योग क्या आ गया 10। तो ये जो अंक है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, परम मित्र अंक, क्या कहलाएगा, परम मित्र अंक। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 6 का परम मित्र अंक क्या है, 6 का परम मित्र अंक।
तो आपको बताना है, सही ऑप्शन मैं दे रखे होंगे, जैसे ए में आ गया, बी सी और डी ऑप्शन दे रखा है, तो सही चुनाव करना है। जैसे ए में आ गया 4, बी में आ गया 5, सी में आ गया 6, डी में आ गया 0। तो इस ढंग से आपको देखना है कि 6 का परम मित्र अंक कौन सा होगा। ए में 4 दे रखा है, यानी 6 और 4 मिलके क्या हो रहा है, 10, अर्थात आपके परम मित्र अंक हो गया 4। तो इस ढंग के प्रश्न भी बन के आ सकते हैं, परम मित्र अंक पर आधारित। तो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा कि परम मित्र अंक क्या कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि 15 की एकाधिक संख्या होगी। अब देखिए, 15 की एकाधिक, एकाधिक का अर्थ है एक संख्या अधिक करना। जैसे एक है और इसके ऊपर एक बिंदु आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार जैसे 12 आ गया और इसका अपन को एकाधिकीन करना, क्या करना है, 13। तो मुझे इस 2 के ऊपर है वो बिंदु लगाना पड़ेगा, अर्थात हमेशा ध्यान रखना है कि जो इकाई अंक होता है उसके ऊपर बिंदु लगाना है। तो यहाँ पे देख लो कि आपके जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें किस में इकाई अंक पे बिंदु लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए में स्पष्ट रूप से 5 के ऊपर है वो बिंदु लगा हुआ है। ओके, तो ये ऑप्शन है वो सही है, यानी 15 की एकाधिक संख्या है वो क्या है, 1, 5 और ऊपर बिंदु, ये है एकाधिकेन, यानी जो बिंदु लगा हुआ होता है उसी को कहते हैं एकाधिकेन। यहाँ पे 15 दे रखा है परंतु बिंदु है वो किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है, जो कि गलत है। और यहाँ पे तो 5 के नीचे दे रखा है, उसको तो बोलते हैं एक न्यूनेन, राइट, यानी कम हो जाएगा उल्टा, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है और डी है ही नहीं। तो ए है वो सही है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए। फिर है छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न क्या दे रखा है, नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या दे रखा है कि 2, 9, 6 और 3 में चरम अंक क्या कहलाता है। तो चरम अंक का अर्थ होता है पहला पहला डिजिट, यानी संख्या का जो इकाई अंक है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3, ये कहलाएगा चरम अंक। वैदिक गणित के अंदर इकाई अंक को क्या बोलते हैं, चरम अंक। तो यहाँ पे 9, 6 और 3, तो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया सी, पहला पहला अंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 5, 6, 9 और 5, तो इसका जो चरम अंक है वो क्या हो गया, 5। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो और पहला पहला डिजिट है वो क्या हो जाएगा, चरम अंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है सातवां है वो परम अंक कहलाता है। तो वैदिक गणित के अंदर जो 9 होता है उसको बोलते हैं परम अंक, 0, 1, 9 इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे 9 है वो क्या हो जाएगा, परम अंक। तो ये ऑप्शन है वो सी है वो सही हो जाएगा, और इसी को ब्रह्म अंक भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्म अंक आए तो भी यही है, 9 को परम अंक या फिर ब्रह्म अंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न दे रखा है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या वैदिक गणित के अंदर जो 10 होती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ध्यान रखना है आपको कि 10 को क्या कहेगा, पूर्ण संख्या। वैसे हम संख्याओं पद्धति के अंदर क्या पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, 0 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। परंतु वैदिक गणित के अंदर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या का अगर प्रश्न आए तो जो 10 होगा वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। ओके, नेक्स्ट है नवा प्रश्न। नवा दे रखा है कि 842 × 858 के गुणनफल के लिए श्रेष्ठ जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा, एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम आधार, एक न्यूनेन पूर्वेण या ऊर्ध्व तिर्यक गुणन। तो ऊर्ध्व तिर्यक गुणन होगा, यानी जो 3 अंकों वाली संख्या है, देखिए 842 इसमें भी 3 अंक है और 858 इसमें भी क्या है, 3 अंक। तो 3 अंक इंटू 3 अंक का गुणनफल करने की श्रेष्ठ जो विधि है वो है ऊर्ध्व तिर्यक गुणन। तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, डी। 8वीं कक्षा के अंदर बहुत ही विस्तार से इसका अध्ययन होता है, आपने पढ़ा होगा। इस ढंग से थोड़ा बता देता हूं मैं, जैसे 8, 2, 8, 4, 2, फिर 8, 5 और 8, ये आपके संख्या है 842 और 858। तो इसको इस ढंग से अपन गुणा करते थे, सबसे पहले ऐसे, फिर दो दो अंकों का, फिर तीनों अंकों का इस ढंग से गुणा होता था, फिर वापस दो दो अंकों का,
और फिर वापस एक एक अंक का, यानी इसका गुणा सबसे पहले होगा, फिर क्रॉस में गुणा, फिर तीन तीन डिजिट ऐसे गुणा होगा, फिर वापस इसका दो का और फिर इसका। तो इसको बोलते थे ऊर्ध्व तिर्यक गुणन या फिर ऊर्ध्व तिर्गभयाम गुणन, ये एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट नेक्स्ट है दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न क्या दे रखा है, 15 का घनफल होगा। तो 15 का घनफल इजी निकाल सकते हैं, घनफल का अर्थ है 3 बार गुणा करना उसी संख्या का। तो 15 × 15 × 15 जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपके आंसर 3375। बहुत ही सिंपल है, गुणा करना। देखिए 15 का गुणा 15 से करेंगे तो क्या आएगा, 225, और 225 का गुणा जब 15 से करेंगे तो आ जाएगा 3375। तो इसका सही आंसर है वो ए है, लिख लेता हूं मैं ए। इसी प्रकार वर्ग भी पूछा जा सकता है, जैसे 15 का वर्ग, तो 15 × 15 वर्ग की बात करें तो 15 × 15 करना है, यानी 2 बार गुणा करना है संख्या का। तो 15 × 15 करेंगे तो क्या आएगा, 225। तो इस ढंग से कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे वर्ग बोले तो 2 बार गुणा कर दो, और घनफल बोले तो 3 बार गुणा कर दो, ये ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 का उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। अगर 2 का वर्ग पूछे तो आप क्या कहेंगे, 2 × 2 कितने हो गए, 4, यानी जहां ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। और यदि आपको जैसे 2 का घनफल पूछा जाए कि 2 का घनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 3 बार गुणा करना है। तो 2 × 2 कितने हो गए, 4, और 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो सही ऑप्शन 8 है, वो उसको सही करना है। तो इस ढंग से वर्ग और घनफल से संबंधित आपके 1 नंबर का प्रश्न इस ढंग से भी बन सकता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जो ऐसे भी प्रश्न आपकी बार पूछे जा सकते हैं। 2021 के अंदर पूरी तरह से पेपर है वो अलग ढंग से आपको मिलेगा, इसलिए आपको पूरा इसका लाभ उठाना है, और सरल भी आएगा पेपर, इसलिए अच्छे से अच्छे नंबर लाके आपको पास होना है, ताकि लाइफ टाइम आपके ये नंबर काम आ सके। 10th के जो नंबर है वो काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं, हर एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी काफी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको अच्छे से अच्छी क्लियर करना है 10वीं को। नेक्स्ट है पहला प्रश्न रिक्त स्थान का, कि वह संख्या होती है जो किसी संख्या में से घटाई जाती है, तो उसको बोला जाता है वियोजक संख्या। यानी वह संख्या होती है, ये वह संख्या है जो किसी संख्या में से घटाई जाती है, यानी कि जैसे 5 लिखा मैंने और 5 में से 2 को घटा रहा हूं मैं, तो ये जो 2 है वो वियोजक संख्या कहलाएगी। तो यहां लिख लेते हैं वियोजक, यहां आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है, वियोजक संख्या। वियोजक संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या में से घटाई जाती है, यानी कि 2 है वो वियोजक संख्या है, समझ में आ गया। फिर एक और होता है जिसे कहते हैं वियोज्य संख्या, और वियोज्य संख्या जो होती है वो इसका उल्टा है, यानी ये वह संख्या होती है जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है, यानी कि अगर 5 और 2 का उदाहरण ले तो 5 है वो वियोज्य संख्या कहलाएगी, वियोज्य। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है वियोजक, वियोजक यानी जिसको घटाया जाता है, और वियोज्य यानी जिसमें से घटाया जाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जैसे 5 है वो वियोज्य हो जाएगी, और 2 है वो क्या है, वियोजक संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा है कि संख्या के अंक के अलावा सभी अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि संख्या के चरम अंक के अलावा सभी अंक क्या कहलाता है, निखिलम अंक। तो यहाँ लिखेंगे संख्या के चरम अंक, चरम अंक के अलावा सभी अंक निखिलम अंक कहलाता है, निखिलम अंक, ये अंक तो लिखा हुआ है, तो निखिलम अंक कहलाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे एक प्रश्न था, 6ठा प्रश्न देखिए, कि 2963 में चरम अंक कहलाता है, तो हमने उत्तर दिया था 3। चरम अंक का अर्थ होता है पहला पहला डिजिट है, ये 3 था, ये क्या हो गया, चरम अंक। और इसके अतिरिक्त जितने भी अंक होंगे, 6, 9 और 2, इसको बोला जाएगा निखिलम अंक। ओके, यानी कि
किसी भी संख्या का जो पहला डिजिट है वो कहलाएगा चरम अंक, और उसके अलावा जितने भी अंक होंगे वो कहलाएंगे निखिलम अंक। जैसे ये उदाहरण अगर देखें तो जो 5 है वो तो कहलाएगा चरम अंक, और जो 7, 5 और 3 बाकी के जितने भी ये डिजिट है वो कहलाएंगे निखिलम अंक। ओके, तो चरम अंक और निखिलम अंक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है, संख्याओं के ऊपर एक छोटी रेखा खींचते हैं जिसे कहते हैं, और कोई संख्या है उसके ऊपर छोटी रेखा, तो ऋणात्मक संख्या के ऊपर एक छोटी रेखा खींचते हैं जिसे बोलते हैं विनकुलम, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, यहां लिखना पड़ेगा ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याओं के ऊपर एक छोटी रेखा खींचते हैं जिसे कहते हैं विनकुलम। ये सब वैदिक गणित के नाम है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। विनकुलम रेखा कहा जाता है, लिख सकते हैं विनकुलम रेखा। आपने देखा होगा जैसे मैंने लिखा 42, उसके ऊपर आपने ऐसी रेखा खींची होगी। अब -42 का है या फिर 42 लिखे, इस ढंग से 42 के ऊपर लाइन खींचे, ये दोनों एक ही है। यानी जो ऋणात्मक संख्या होती है उसको इस ढंग से प्रदर्शित कहा जाता है, विनकुलम, जिसे कहा जाता है विनकुलम रेखा। चौथा प्रश्न है, किसी दी हुई संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पर बचा शेषफल, यानी कि कोई संख्या दे रखी है उसके आधार या उपाधार को घटाते हैं तो बचा जो शेषफल है वो क्या कहलाता है, विचलन। विचलन यानी कि 93 है मान लो, और 93 है और इसका आधार है वो क्या हो जाएगा, 100। हमेशा ध्यान रखना है कि किसके करीब है, 100 के करीब है तो आधार है वो 100 हो जाएगा। यदि 10 के करीब है, जैसे कि 7 है और 7 है वो किसके करीब है, 10 के, तो इसका आधार हो जाएगा 10। आधार या तो 10 होगा या 100 होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि 10 के करीब है तो आधार 10 हो जाएगा, और 100 के करीब है कोई संख्या तो हो जाएगी आधार 100। अब 100 में से मैं 93 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0 और 7, यानी 7। तो यही है यहाँ पे प्रश्न कहने का अर्थ है कि किसी दी हुई संख्या में से आधार या उपाधार घटाते हैं तो जो बचा शेषफल है वो क्या कहलाता है, विचलन, इसे कहा जाता है विचलन। जो 0 और 7 है वो क्या कहलाएगा, विचलन। वापस पूछा है पांचवा कि आधार में जितने होते हैं उतने ही अंक में रखे जाते हैं, यानी कि आधार में जितने शून्य होंगे, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक विचलन में रखे जाते हैं, उतने ही अंक विचलन में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे इस ढंग से इसका जवाब होगा, देखिए वापस मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ ये थोड़ा किस ढंग से। जैसे मान लो हो गया 98, अब इसका आधार है वो क्या हो गया, 100। तो 100 में से 98 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2। परंतु यहाँ पे आपको दो डिजिट के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, एक 0 है वो लगाना पड़ेगा, और यानी 0 और 2, इस ढंग से विचलन को रखा जाता है। तो यही है कि आधार में जितने शून्य है, आधार में शून्य कितने हैं, 2, 1 और 2, उतने ही अंक विचलन में रखे जाते हैं, तो विचलन में 0 और 2 को रखा जाएगा। इसी प्रकार जैसे 96 है, अब इसका विचलन कितना हुआ, 4, तो आपको इस ढंग से लिखना पड़ेगा 0 और 4, ये है विचलन। अब वैदिक गणित से संबंधित आगे अपन सभी प्रश्न बड़े बड़े भी करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, ध्वजांग विधि, निखिलम विधि, सूत्र परावर्ती विधि आधारित, वो सभी विधियां एक एक करके करेंगे। उसके अंदर सभी आधार, विचलन वगैरह जो भी आपके कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल।